Hello viewers, so today I am going to explain the whole story of Godzilla vs. Kong. तो मूवी स्टार्ट होती है स्कल आइलैंड से, जहाँ पे मोनार्क का एक कंटेनमेंट जोन है जिसमें कॉन्ग को रखा गया है। और कॉन्ग वहाँ पे खुश नहीं है और बहुत गुस्से में है। वो इतने गुस्से में है कि वो एक पेड़ को उखाड़ता है और फेंकता है, जो कंटेनमेंट जोन की आउटर वॉल से टकराता है। और यहाँ पे एक छोटी सी लड़की भी है जिसका नाम है जिया, जिसका कॉन्ग से इमोशनल अटैचमेंट है। जिया बोल सुन नहीं सकती है और इसको एडॉप्ट किया गया है डॉक्टर आइनी एंड्रूज द्वारा, जो मोनार्क की एक साइंटिस्ट है और कॉन्ग के बारे में स्टडी कर रही है 10 सालों से। जिया डॉक्टर आइनी एंड्रूज को बताती है कि कॉन्ग गुस्से में है और वो यहाँ नहीं रहना चाहता है। लेकिन डॉक्टर आइनी एंड्रूज ये चीज़ जानती है कि कॉन्ग के लिए केवल यही एक जगह सेफ है, क्योंकि वो यहाँ से बाहर गया तो गॉडजिला उसको मार देगा, क्योंकि दो अल्फा टाइटन से एक साथ नहीं रह सकते हैं। और स्कल आइलैंड के अलग एनवायरनमेंट की वजह से गॉडजिला वहाँ से दूर है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई देती है एपेक्स साइबरनेटिक्स की लैब, जो एक हाईटेक रोबोटिक्स की कंपनी है, जिसके ओनर का नाम है वॉल्टर सिमंस। बर्नी, जो एपेक्स साइबरनेटिक्स में एक इंजीनियर है, उसे एपेक्स साइबरनेटिक्स पे शक है कि वो कुछ छुपा रहे हैं और कुछ सीक्रेट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। बर्नी एक पॉडकास्ट चलाता है जिसमें वो इस बारे में बताता रहता है, जिसे मिडसन रसल सुनती रहती है। नेक्स्ट सीन में गॉडजिला की एंट्री होती है और वो एपेक्स साइबरनेटिक्स पे अटैक कर देता है, कि जो कि फ्लोरिडा में है। नेक्स्ट सीन में हमें डॉक्टर नेथन लैंड देखने को मिलता है, जो एक साइंटिस्ट है और पहले मोनार्क के लिए काम करता था और अभी हॉलो अर्थ पे स्टडी कर रहा है। वॉल्टर सिमंस उससे मिलने के लिए आता है। वॉल्टर सिमंस डॉक्टर नेथन लैंड को बताता है कि हॉलो अर्थ एक पावर का सोर्स है, जिससे सभी टाइटन्स बने हैं। इसी सोर्स की मदद से वो गॉडजिला को रोक सकते हैं। और उसके बाद वॉल्टर सिमंस डॉक्टर नेथन लैंड से हॉलो अर्थ में जाने की बात करता है। फिर डॉक्टर नेथन लैंड बताता है कि हॉलो अर्थ में रिवर्स ग्रेविटी काम करती है। तब वॉल्टर सिमंस बताता है कि एपेक्स साइबरनेटिक्स ने एक ऐसी कैरियर जेट बनाई है जो हॉलो अर्थ में जा सकती है, जिसका नाम है HEAV, हॉलो अर्थ एरियर व्हीकल, जो बहुत ही पावरफुल है। फिर डॉक्टर नेथन लैंड डॉक्टर आइनी के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है और कहता है कॉन्ग को उन्हें हॉलो अर्थ में ले जाना होगा, क्योंकि शायद वही उसका घर है और कॉन्ग ही वहाँ पर उनको रास्ता दिखा सकता है। डॉक्टर आइनी मान जाती है और कॉन्ग को सी कैरियर शिप से ले जाते हैं। वहाँ पर माया सिमंस भी आती है, जो वॉल्टर सिमंस की बेटी है, और डॉक्टर नेथन से बताती है कि वो इस मिशन में उसका साथ देगी। डॉक्टर आइनी शिप के कैप्टन को बताती है कि समुद्र के उन रास्तों से जाना है जहाँ पे गॉडजिला की टेरिटरी नहीं है, क्योंकि अगर वो गॉडजिला की टेरिटरी के रास्ते से जाएंगे तो गॉडजिला उन पे अटैक कर देगा, क्योंकि कॉन्ग और गॉडजिला की राइवलरी एंशिएंट है। नेक्स्ट सीन में कॉन्ग गुस्से में है और वो शिप पे अपनी सारी जंजीरों को खींच रहा होता है। जिया को उसकी हार्ट बीट फील होती है। जिया उसके पास जाती है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जिया साइन लैंग्वेज में कॉन्ग से कम्युनिकेट कर सकती है, और फिर वो कॉन्ग से बात करती है और उसको शांत करती है। दूसरी तरफ मेडिसन अपनी एक दोस्त की मदद से, जिसका नाम जॉर्ज है, फ्लोरिडा जाते हैं और बर्नी से मिलते हैं, ताकि वो पता लगा सके कि गॉडजिला ह्यूमंस पे अटैक क्यों कर रहा है। तब वो बर्नी से मिलकर एपेक्स साइबरनेटिक्स की लैब की तरफ जाते हैं, इस बात का पता लगाने के लिए कि वहाँ पे क्या चल रहा है। दूसरी तरफ गॉडजिला को कॉन्ग का पता चल जाता है और गॉडजिला वहाँ पर अटैक कर देता है। दोनों के बीच एक एपिक बैटल होती है। गॉडजिला कॉन्ग को पानी में डुबाकर मारने ही वाला होता है, लेकिन किसी तरह मोनार्क वाले उसको बचा लेते हैं। फिर मोनार्क वाले एक प्लान बनाते हैं कि वो सबको मरा हुआ दिखाएंगे, जिससे गॉडजिला उनको छोड़ करके चला जाएगा, और ऐसा ही होता है। वहाँ पे सभी लोग मरने की नाटक कर लेते हैं और गॉडजिला उनको मरा हुआ समझ करके वहाँ से छोड़ करके चला जाता है। एपेक्स साइबरनेटिक्स में मेडिसन, जॉस और बर्नी देखते हैं कि वहाँ पे कई सारी HEAV व्हीकल्स हैं और उसके अंदर जाते हैं। उसके अंदर जाने पर उन्हें HEAV व्हीकल्स में स्कल क्रॉलर्स के अंडे दिखाई देते हैं।
तभी वो व्हीकल ट्रांसपोर्ट होने लगता है और हांगकांग की एपिक साइबरनेटिक्स की लैब जाने लगता है। अब कॉन्ग को एयरक्राफ्ट कैरियर से ले जाते हैं ताकि गॉडजिला को कॉन्ग का पता नहीं चल पाए। एयरक्राफ्ट कैरियर की मदद से अंटार्कटिका पहुंचने पर जहां पे हॉलो अर्थ का रास्ता है, जिया कॉन्ग को बताती है कि यही कॉन्ग का घर है। तब कॉन्ग उस रास्ते से हॉलो अर्थ के अंदर जाता है और उसके पीछे पीछे HEAV व्हीकल में जिया, डॉक्टर नेथन, डॉक्टर आइनी और माया सिमंस और उसकी टीम जाती है। जब कॉन्ग अंदर जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कॉन्ग को अंदर का रास्ता पहले से ही पता है। तभी वॉरबैट्स कॉन्ग पे अटैक कर देते हैं और कॉन्ग उनको मार देता है। फिर कॉन्ग हॉलो अर्थ में एक जगह पे पहुंचता है जहाँ पे कॉन्ग के हैंड जैसा एक हाथ का निशान दिखाई देता है। फिर मेडिसन जॉस और बर्नी हांगकांग की लैब पहुंचते हैं और एक बड़ी सी हाइव में पहुंचते हैं। तभी एक डोर ओपन होता है और एंट्री होती है मेका गॉडजिला की, जो कि एपिक साइबरनेटिक्स वालों ने बनाया है। और तब यहाँ पे बर्नी को पता चलता है कि एपिक साइबरनेटिक्स वाले मेका गॉडजिला बना रहे थे। तभी हाइव में एक और डोर ओपन होता है और उसमें से निकलता है स्कल क्रॉलर, लेकिन मेका गॉडजिला स्कल क्रॉलर को बड़े आसानी से मार देता है। पर अभी मेका गॉडजिला को पावर सोर्स की कमी है। मेका गॉडजिला के एक्टिवेट होते ही गॉडजिला को पता चल जाता है और गॉडजिला हांगकांग की एपिक साइबरनेटिक्स के लैब की तरफ आने लगता है। अब कॉन्ग उस हाथ के निशान पे अपना हाथ रखकर उस दरवाजे को ढकेलता है और हाइव के अंदर जाता है और वहाँ पे मिलता है कॉन्ग को अपना थ्रोन और एक एक्स। फिर कॉन्ग उस थ्रोन पे बैठ जाता है, बट अभी तक हॉलो अर्थ के पावर सोर्स के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। तभी कॉन्ग अपनी एक्स को हॉलो अर्थ की जमीन पे रखता है और वहाँ पे रेडिएशन कोर की पावर एक्टिवेट हो जाती है और किसी तरह से ये एक्स उस रेडिएशन पावर को एब्जॉर्ब करता है। और फिर माया सिमंस, जो कि एपिक साइबरनेटिक्स के हेड वॉल्टर सिमंस की बेटी है, वो बताती है कि वह हॉलो अर्थ में वही पावर स्टोर करने के लिए आई थी और वो एपिक साइबरनेटिक्स को भेजती है जिससे मेका गॉडजिला को चलाया जाएगा। दूसरी तरफ मेडिसन को एपिक साइबरनेटिक्स में गिदोरा का सिर दिखाई देता है, जिसका DNA यूज़ करके मेका गॉडजिला को बनाया गया है और उसे एक पायलट की मदद से कंट्रोल करते हैं। तभी गॉडजिला हांगकांग पहुंचता है और अपनी एटॉमिक ब्रेथ से जमीन में होल करने लगता है, जो सीधा हॉलो अर्थ में कॉन्ग के थ्रोन के पास वाले जगह पर पे पहुंचती है और हांगकांग के सरफेस से लेकर के हॉलो अर्थ तक एक पूरा होल क्रिएट हो जाता है। कॉन्ग उसी रास्ते से हांगकांग पहुंचता है और उसके पास में अब उसकी एक्स भी है। और फिर गॉडजिला और कॉन्ग में एक और बैटल स्टार्ट होती है। कॉन्ग इस बार गॉडजिला को बहुत मारता है, गॉडजिला फॉल, लेकिन गॉडजिला फिर से खड़ा हो जाता है और इस बार कॉन्ग को बहुत बुरी तरह मारता है। कॉन्ग का शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है और कॉन्ग मरने की हालत में रहता है। गॉडजिला उसे मरने के लिए छोड़ के वहाँ से चला जाता है। तभी मेका गॉडजिला अपने पावर सोर्स से पूरे सिस्टम को ओवरराइड कर लेता है और खुद को खुद से ही कंट्रोल करने लगता है और फिर वो एपिक साइबरनेटिक से बाहर निकल करके गॉडजिला पे अटैक कर देता है और वो गॉडजिला को बहुत बुरी तरह मारता है। मेका गॉडजिला बहुत ही पावरफुल है। दूसरी तरफ जिया कॉन्ग के पास पहुंचती है और उसकी हार्ट बीट को फिर से फील करती है और कॉन्ग की हार्ट बीट बहुत ही कमज़ोर हो रही है। तो जिया डॉक्टर आइनी को बताती है कि कॉन्ग मर रहा है, उसकी हार्ट बीट धीरे धीरे कम हो रही है। फिर डॉक्टर नेथन लैंड HEAV व्हीकल की मदद से कॉन्ग के हार्ट को एक जोर का शॉक देते हैं जिससे कॉन्ग फिर से खड़ा हो जाता है। और इस बार जिया उसको बताती है कि गॉडजिला उसका दुश्मन नहीं है बल्कि मेका गॉडजिला है। दूसरी तरफ मेका गॉडजिला गॉडजिला को बहुत बुरी तरह मार रहा है और उसको मारने ही वाला रहता है। तभी कॉन्ग उसके ऊपर अटैक कर देता है और गॉडजिला को मेका गॉडजिला से बचाता है। फिर दोनों मिलकर मेका गॉडजिला से लड़ते हैं। फिर एक सीन ऐसा आता है जिसमें गॉडजिला अपनी एटमिक ब्रेथ से कॉन्ग की एक्स को चार्ज करता है और फिर कॉन्ग उससे
मेगा गॉडजिला पे अटैक कर देता है और मेगा गॉडजिला को टुकड़े टुकड़े में तोड़ देता है। फिर मेगा गॉडजिला के सिर को पकड़ के उखाड़ देता है और यहाँ पे मेगा गॉडजिला का एंड होता है। मेगा गॉडजिला के मरने के बाद गॉडजिला और कॉन्ग एक दूसरे को देखते हैं और रोर करते हैं। फिर गॉडजिला पलट करके समुद्र की ओर चला जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया, डॉक्टर नेथन लैंड और डॉक्टर आइनी के साथ कॉन्ग हॉलो अर्थ में सेफ है। यहाँ पे मूवी एंड हो जाती है। मूवी में कोई भी एंड क्रेडिट सीन या पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है।